द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे एसटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में टोटल क्वालिफाइड कितने हैं। तो इसमें हम पूरा डाटा डिस्कस करेंगे, जितने भी आरटीआई जो अभी तक लगी हैं उसमें कितना कितना डाटा दिया हुआ है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना देरी के हम वीडियो को शुरू कर दें। तो सबसे पहले जो पहली आरटीआई थी उसमें क्या डाटा था, 2013 की बात कर रहे हैं एसटेट की, तो इसमें जनरल में 622 थे, बीसीए में 58, बीसीबी 51, एससी 44, तो इस तरीके से टोटल थे 775। एसटेट 2014-15 जिसको भी जून 2016 बोलते हैं, तो उसमें 2889 जनरल में, बीसीए 471, बीसीबी 375, एससी 379, तो 4114 सबसे ज़्यादा इसी में थे। 2017 में 6 जनरल, 2 एससी, तो टोटल 8 थे। एसटेट 2018 में बात करें तो 264, 264 जनरल, 18 बीसीए, 22 बीसीबी, एससी 30, और टोटल इस तरीके से हुए 334। एचटेट 2019 में भी 326 जनरल, बीसीए 36, पीसीबी 51, एससी 41, टोटल हुए 454। तो ये पहली आरटीआई एक जो थी उसके अकॉर्डिंग है। तो इसके बाद एक और आरटीआई लगाई गई थी, तो उसमें क्या डाटा दिया गया था, तो ये देख सकते हैं आप। एचटेट 2014 में वही 982, 2015 में 5584, 17 में 10, 2018 में 326 और 19 में 455। तो इसको यदि हम कंपेयर करें, जैसे 2015 में इधर 5584 है तो इसमें है 4114, तो काफ़ी 1000 करीब तो फ़र्क इसमें दिख ही गया सीधे सीधे। तो इसमें कैसे हुआ आरटीआई में, तो ये इसमें ऐसे हो सकता है क्योंकि आरटीआई जो एचटेट का रिजल्ट जो अपडेट होता रहता है, बार बार अपडेट होकर आता है कई कई बार, तो इसमें वो ऐड होकर इसमें जो आरटीआई में बताया गया होगा। इसके बाद एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो भाई इसमें देख सकते हैं जो एचटेट जून 2016 का डाटा इसमें बताया जा रहा है, 2736 जनरल, बीसीए 433, बीसीबी 348, एससी 361, एसबीसी 214, ईबीजी 59, इस तरीके से टोटल 4466। एचटेट 2017 का सेम है भाई, 6 जनरल, 2 एससी, टोटल 8। एचटेट 2019 की यदि बात की जाए तो 264 जनरल, बी सी ए 18, बी सी बी 22, एस सी 30, तो 339 टोटल। तो ये एक स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया। तो हम बात करें एस्टेट का, जो जून का जो हम डाटा करें तो सब में अलग अलग है। इसमें 4466 है, इसमें 5584 है, इसमें 4114 है, तो इसमें तीनों डेटा जो है अलग अलग है। तो ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट अपडेट होता रहता है कभी कोर्ट केस, कभी कोई कारण की वजह से, तो इसीलिए अलग अलग आरटीआई में अलग अलग डेटा मिलेगा। एक जो हम बात करें, एक जो पूरा डेटा है तो ये कंपाइल किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आप देख सकते हैं जो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है वो यही लगता है। अभी एचटेट 2014 की बात करें तो कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, पूरा जनरल में 622, बीसीए 58, बीसीबी 51, एससी 44, एसबीसी 76, ईबीसी 5, तो टोटल 856। तो एसबीसी की यदि बात करें तो इसमें मेंशन था कि भाई जनरल कैटेगरीज में उनका जो हो गया था बाद में, और ईबीसी तो एक तरीके से आप ईडब्ल्यूएस को मान सकते हैं। 2016 की बात करें तो भाई 2736 जनरल, बीसीए 433, बीसीबी 348, एससी 361, एसबीसी 529, ई बी सी 59, तो टोटल 4466। एसटेट 27 में 6 जनरल, 2 एस सी, टोटल 8। 2018 में 264 जनरल, बी सी ए 18, बी सी बी 22, एस सी 30, तो टोटल 334। एसटेट 2019 में बात करें तो 306 जनरल, बी सी ए 36, बी सी बी 49, एस सी 38, तो टोटल 431। एसटेट 2020 878 जनरल, बी सी ए 100, बी सी बी 119, एस सी 150, तो टोटल 1247। एस्टेट 2021 में 1506 जनरल में, बी सी ए 275, बी सी बी 268, एस सी 297, तो टोटल 2346। तो इसको हम यदि पूरा ऐड करें तो जनरल क्या है 6318, आप अपने अपने कैटेगरीज का अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बी सी ए 920, बी सी बी 857, एस सी 922, एस बी सी 605 और ई बी सी 64। तो ये
SBC तो जनरल में ही मूव हो गए थे, और EBC एक तरीके से इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो एक कैटेगरी थी, तो अब है EWS है। तो ये डाटा भाई बाकी कैटेगरीज का बिल्कुल ठीक है, इन दोनों कैटेगरीज का, क्योंकि ये पहले थी अब नहीं है। इस तरीके से हम टोटल इनको जोड़ दे तो 9693 ये एक जो नंबर बनता है, ये टोटल क्वालिफाइड है। तो ये बिल्कुल है सारे। और अब जब 2022 का रिजल्ट आने वाला है उसका भी अपडेट करके आपको इसमें जल्दी बता दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।